धनुष भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने भगवान परशुराम को दिया। परशुराम जी ने इस धनुष से कई बार पृथ्वी की रक्षा की और इसे फिर राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख लिया। ये धनुष इतना भारी था इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन नंगी सीता इसे आसानी से उठा लिया करती थी। यह देख राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि वो कोई दिव्य आत्मा है। इसलिए उन्होंने सीता जी के बचपन में ही निश्चय कर लिया कि वो सीता की विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे दिव्य पुरुष को ढूंढे कैसे, ये सवाल उनको अक्सर सताता था। तभी उन्हें ख्याल आया कि वह एक स्वयंवर का आयोजन करेंगे। इसमें यही शर्त रखी जाएगी कि जो धनुषधारी शिव के इस महान दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चलाएगा वही सीता के योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण भेजा गया। ये निमंत्रण अयोध्या भी भेजा गया, लेकिन अयोध्या के जो राजकुमार राम हैं वो गुरु वशिष्ठ के साथ वन में रहते हैं और वहीं से सभा दर्शक के तौर पर स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। स्वागत है, मैं राजा जनक सभी राजाओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपनी पुत्री सीता के लिए योग्य वर की कामना करता हूँ। कृपया बारी बारी से इस अनमोल शिव धनुष को उठाने की कोशिश करें। क्या? यही वह धनुष है? इसको तो मैं आराम से उठा लूंगा। कठिनाई का तो पता तभी चलेगा जब इसे उठाया जाएगा। हा, 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 हा। मेरी बारी आ रही तो देखना कैसे इसे मैं फूल की तरह उठा लूंगा। ऐसे बड़े बड़े पराक्रमी वीर इधर नहीं उठा सके, यह कोई मामूली धनुष नहीं है। Charge! Rama bhi dhanush uthayenge.